Santham Academy. Welcome to Digital Kaksha. To get updates on new videos, click the subscribe button and the bell icon. अब समास का अगला भेद हम देखते हैं यहां पर चौथा, जिसका नाम है द्विगु समास। अब इस समास में जो हमें ध्यान रखना है, द्विगु समास में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि जहां भी किसी शब्द में समस्त पद में पहला पद, हम बार बार पहला पद, दूसरा पद या फिर पूर्व पद, उत्तर पद, इस शब्द को बार बार हम बोलते हैं। उसका कारण क्या है कि जब भी कोई समस्त पद होता है तो उसमें दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद या पूर्व पद या फिर उत्तर पद। तो द्विगु समास में हम यही देखेंगे कि जिस समस्त पद में उसका पहला पद कोई संख्यावाची, संख्यावाची अर्थात कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, तो वहां पर द्विगु समास। जैसे उदाहरण के लिए चौराहा, इस शब्द को हम देखें तो इसमें पहला पद चौ और दूसरा राह, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका? विग्रह तो आपने इसका एक तरीका है, उसी तरीके से हमको इसका विग्रह करना। लेकिन द्विगु समास में हमको ये ध्यान रखना है कि समास में जहां भी समस्त पद में उसका पहला पद कोई संख्या हो, कोई नंबर हो, तो वो शब्द, वह समस्त पद समास के किस भेद के अंतर्गत आता है? द्विगु समास के अंतर्गत। जब इसका विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। कई बार यह भी देखने को आता है कि समूह शब्द की जगह समाहार शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसके और उदाहरण हम देखते हैं, नवरात्रि, नौ रातों का समूह या समाहार, नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, या फिर पंचवटी, पांच वटों का समूह। इसके अलावा और हम यदि देखते हैं तिराहा, तीन राहों का समूह या समाहार। तो जिन शब्दों में, जिन समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पर होता है द्विगु समास। तो पहला समास तत्पुरुष, जिसमें हमने देखा कि पूर्व पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर या तो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह से वह जुड़ता है, या फिर समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह को हटा देते हैं। उसके बाद दूसरा हमने देखा कर्मधारय, कर्मधारय समास में हमने क्या देखा कि दोनों पदों के बीच में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या फिर उपमान उपमेय का संबंध होगा। उसके पश्चात हमने तीसरा भेद देखा द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या बताया है कि दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, जब विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हटा देते हैं और उसकी जगह और शब्द का, समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने चौथा देखा द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद जो होता है वह होता है संख्यावाची और विग्रह चार चौराहा, चार राहों का समूह, समाहार, नवरात्रि, नौ रात्रियों का समूह या समाहार, पंचवटी, पांच वटों का समूह या समाहार। तो इस तरह से हमने समास के चार भेद देखे। अब हम देखते हैं पांचवा भेद, जिसको हम कह सकते, जिसका नाम है बहुव्रीही समास। समास का अगला भेद पांचवा, जिसको हम देखते हैं, जिसका नाम है बहुव्रीही समास। यहां पर बहुव्रीही समास जो, इस समास में हमें क्या ध्यान रखना है कि बहुव्रीही समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें बाहर का तीसरा पद प्रधान होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम उस समास का, उस समस्त पद का विग्रह करते हैं,
तो वह पूरा विग्रह एक प्रश्न के रूप में बन जाता है, और जब प्रश्न के रूप में बन जाता है तो उसका उत्तर भी हमको कहीं बाहर से मिलता है। तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बाहर का तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हम देखते हैं दशन, दशन एक शब्द। अब दशानन शब्द का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा इसका दस है सिर जिसके, दस है सिर जिसके विग्रह हुआ। विग्रह होने पर अब यह पूरा प्रश्न की भांति बन गया और उत्तर हमको कहां से मिल रहा है, बाहर से। दस है सिर जिसके अर्थात रावण, ये रावण शब्द जो है हमको बाहर से मिला। तो जहां पर बहुव्रीहि समास में जहां पर शब्द का विग्रह करने पर उत्तर के रूप में तीसरा पद हमको प्राप्त हो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। इसके और उदाहरण देख सकते हैं हम, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शिव। चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथों में अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास में हमने क्या देखा कि इस समास में बाहर का तीसरा पद प्रधान होता है। अब यहां पर कुछ विद्यार्थियों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि हमने द्विगु समास में देखा था कि जिसमें पहला पद संख्यावाची, अब यहां भी संख्यावाची आ दस दस, तो हो सकता है यहां पर दुविधा की स्थिति बन जाए। लेकिन यहां पर हम जो समस्त पद दिया हुआ है उसका विग्रह किस प्रकार से करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह समास द्विगु होगा या फिर बहुव्रीहि। जैसे हमने बोला यहां पर त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके विग्रह किया है अर्थात शिव, तो समास होगा बहुव्रीहि। तीन नेत्रों का समूह अर्थात द्विगु, अर्थात जहां पर हम समूह की बात करते हैं, समाहार की बात करते हैं, उनके आपस में इकट्ठे होने की बात करते हैं और संख्या शब्द आया तो वहां पर द्विगु समास। जहां पर उत्तर के रूप में तीसरा पद यहां पर हमको प्राप्त होता है वहां पर बहुव्रीहि समास। समास का अगला भेद हम यहां पर देखते हैं जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अव्ययी, अव्ययी अर्थात जिसका कुछ व्यय न हो, जिसका कुछ खर्च न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। तो हमेशा जब भी हम किसी समस्त पद को देखते हैं तो उस समस्त पद का पहला शब्द, पहला पद, पूर्व पद कोई अव्ययी शब्द होगा या फिर हम उसको कह सकते हैं उपसर्ग होगा। उपसर्ग भी कहते हैं इसको हम कई बार। तो अव्ययी, जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, यथासंभव। अब यहां पर यथासंभव फिर वही बात आती कि यहां पर दो पद है, पूर्व पद उत्तर पद या फिर पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद हमेशा इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वह होता है कोई अव्ययी शब्द, यथा या फिर उपसर्ग, हम उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो यहां पर पहला पद कैसा होगा, कोई उपसर्ग या फिर कोई अव्ययी शब्द। जब विग्रह करेंगे तो यथा संभव अर्थात जैसा संभव, यथा शक्ति, शक्ति जैसी शक्ति हो शक्ति के अनुसार, या फिर आजन्म, जन्म भर, आजन्म, आजन्म वही पहला पद आ, तो आजन्म जन्म भर, यथा योग्य जैसा योग्य,
तो जहां भी अव्ययी भाव समास में हम क्या देखते हैं, जहां भी पहला पद कोई अव्ययी शब्द हो तो वह किसके अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। इसी में कभी कभी क्या होता है, जब एक ही शब्द की दोहराया जाता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए हाथों हाथ अर्थात हाथ हाथ से, बातों बात 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 में, कानों कान कान कान, अर्थात जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तो हमने समास के छह भेद देखे। सबसे पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह से जुड़ता है, कारक चिन्ह से जुड़ता है, या समस्त पद बनाते समय उसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या फिर उपमान उपमेय का संबंध होगा। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और विग्रह करने पर योजक चिन्ह हटाकर उसकी जगह और समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। चौथा द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। उसके पश्चात बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बाहर का तीसरा पद प्रधान होता है। छठा समास अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद कोई अव्ययी शब्द होता है, कभी कभी एक ही शब्द को दोहराने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर समास के छह भेद देखे। और जब हम इन समास को देखते हैं, इनकी परिभाषाओं को करते हैं, उसके पश्चात इन समासों में हम जितने शब्दों का अभ्यास करते हैं, जितना अधिक अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने पर हमें समास को पहचानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पूरी बात, पूरा समास को सीखना, उसको समझना उसके अभ्यास पर भी निर्भर करता है। तो इसके लिए हम अधिक से अधिक शब्दों का अभ्यास करें। जब लगातार हम 10-20 शब्द 25 शब्द उनको जब हम कर लेते हैं तो हमें उनका विग्रह करने का एक तरीका कि किस प्रकार से उसका विग्रह करना है और समास का वह कौन सा भेद होगा, यह हम आसानी से समझने लगते हैं। तो विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक शब्दों को देखकर उनका विग्रह करने का, समास को पहचानने का प्रयास करें। जब आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो समास का विग्रह और उसका भेद आसानी से पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समास और अच्छी तरह से आसानी से सरलतापूर्वक कर सकें, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. If you like this video, make sure to like, share, and subscribe for more.